इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 21 फरवरी के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। कुंभ का आयोजन आस्था का विशालतम रूप है। हर 12 वर्ष बाद आने वाला महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े मानव समागम के रूप में इतिहास की किताबों में दर्ज है। सदी के पहले महाकुंभ का समापन आज ही के दिन 2001 में महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। देश दुनिया के इतिहास में 21 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी रानी चेन्नम्मा का निधन आज ही के दिन 1829 में हुआ था। पुरुचेरी स्थित अरबिंदो आश्रम की मां मीरा अल्फासा का जन्म आज ही के दिन 1878 में पेरिस में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का जन्म आज ही के दिन 1894 में हुआ था। देश के महान कवि एवं लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म आज ही के दिन 1899 में हुआ था। आज ही के दिन 1948 में स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा राष्ट्रपति को पेश किया गया था। 1952 में आज ही के दिन ढाका विश्वविद्यालय में बंगाली को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए प्रदर्शन किया गया था। आज ही के दिन 1965 में विवादित राष्ट्रवादी अश्वेत नेता मालकॉम एक्स की अमेरिका में जान ले ली गई थी। न्यूयॉर्क में उन्हें उनके 400 समर्थकों के सामने गोली मार दी गई थी। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हरि विनायक पाटस्कर का निधन आज ही के दिन 1970 में हुआ था। आज ही के दिन 1972 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड पी निक्सन ने चीन की यात्रा कर दोनों देशों के बीच पिछले 21 साल से चले आ रहे दुराव को समाप्त किया था। 1975 में आज ही के दिन राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग ने अधिकृत अरब क्षेत्रों में दमनात्मक कार्रवाई के लिए इजराइल की कड़ी निंदा की थी। भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका नूतन का निधन आज ही के दिन 1991 में हुआ था। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश का निधन आज ही के दिन 1998 में हुआ था। आज ही के दिन 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। 1999 में आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच लाहौर घोषणा पर समझौता हुआ था। आज ही के दिन 2001 में सहस्राब्दी के पहले महाकुंभ का समापन हुआ था। 2004 में आज ही के दिन देश की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने WTA खिताब जीतकर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की थी। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। आज ही के दिन 2008 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग के नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हाथ मिलाया था। 2008 में आज ही के दिन भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन ने युगांडा की कंपनी अनुपम ग्लोबल सॉफ्ट का अधिग्रहण किया था। आज ही के दिन 2008 में प्राइवेट एयरलाइंस जेट एयरवेज ने एयर कनाडा के साथ स्ट्रेटजी गठजोड़ किया था। 2010 में आज ही के दिन सऊदी अरब की सरकार ने महिलाओं को वकालत करने की इजाजत देने से संबंधित कानून लाने का निर्णय लिया था। आज ही के दिन 2010 में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने जानी मानी खिलाड़ी झोउ मिको को सिर्फ 50 मिनट में हरा दिया था। 2013 में आज ही के दिन हैदराबाद में एक के बाद एक बम धमाकों में 17 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।